तरबूज का मीठा फल तो हम सभी खा लेते हैं, लेकिन इसका जो ये हरा वाला हिस्सा होता है इसको हम अक्सर फेंक देते हैं। आज इस वीडियो में मैं आपके लिए एक ऐसी रेसिपी लेकर आई हूँ जिसके बाद आप तरबूज के छिलके कभी नहीं फेंकेंगे। हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू क्रेजी फॉर हेल्थ, मैं हूँ मेघा। तो आइए रेसिपी को शुरू करते हैं। इसके लिए सबसे पहले मैंने यहाँ पर ले लिया है तरबूज के छिलके, जो कि तरबूज का हरा वाला हिस्सा होता है, और ये देखिए काफ़ी इसमें पल्प है इस टाइम पे। तो जो डार्क ग्रीन वाला बाहर का जो हिस्सा है उसको हम एक चाकू की मदद से अच्छे से छील लेंगे। तो ये देखिए, इसका इस तरीके से हम बाहर का छिलका उतार देंगे और अंदर का जो ये हिस्सा है इसको हम रख लेंगे। तो आपके पास जितना भी तरबूज का हिस्सा बचा हुआ हो आप उसको यूज़ कर सकते हैं। सब कुछ छीलने के बाद हम एक यहाँ पर ग्रेटर लेंगे और इसके जो मोटा वाला हिस्सा है उससे हम सारे जो छिलके हैं उनको ग्रेट कर लेंगे। तो ये थोड़े से हार्ड होते हैं, अगर आपके तरबूज पके हुए हो तो और भी हार्ड होंगे। तो हम उसको अच्छे से ग्रेट कर लेंगे और इसमें काफ़ी ज़्यादा पानी भी होता है, तो ये जो तरबूज का छिलका है या फिर अंदर का जो हिस्सा होता है ये काफ़ी हेल्दी होता है, बॉडी में बहुत ही ठंडक पहुँचाता है। तो इसको आप बिल्कुल भी ना फेंकें, इसको आप ज़रूर से इस्तेमाल कर सकते हैं। तो मैंने यहाँ पर सबको ग्रेट कर लिया है और अब एक पैन ले लेंगे, उसमें हम डाल देंगे घी। तो आज हम बना रहे हैं तरबूज के छिलके का बहुत ही अमेजिंग सा हलवा। घी को हम गर्म हो जाने देंगे और इसमें ग्रेट किए हुए तरबूज के छिलकों को डाल देंगे। अब इस छिलके को हम तब तक पकाएंगे जब तक कि ये बिल्कुल सॉफ्ट नहीं हो जाता। तो फ्लेम को इस वक्त लो मीडियम पे रखना है और इसको हम तब तक पकाएंगे जब तक कि सारा जो छिलका है वो अच्छे से सॉफ्ट नहीं हो जाता। तो ये देखिए, बीच बीच में आप चेक करते रहें, जो छिलका है वो लगभग 15 मिनट के अंदर गल जाएगा, अच्छे से सॉफ्ट हो जाएगा। ये देखिए कितना अच्छा से इसका कलर भी चेंज हो चुका है और ये काफ़ी पहले से सॉफ्ट हो चुका है। इसको हम 5 से 7 मिनट और पका लेंगे जिससे कि ये पूरे अच्छे से टेंडर हो जाए। तो इसको फिर से ढक देंगे और 5 मिनट बाद हम चेक करते हैं। तो ये देखिए, तरबूज के छिलके अच्छे से गल गए हैं। इसमें हम इलायची का पाउडर डाल देंगे टेस्ट के लिए, और मिठास के लिए मैंने यहाँ पे यूज़ किया है गुड़ का पाउडर। आप शक्कर भी यूज़ कर सकते हैं, और ये ज़्यादा क्वांटिटी में नहीं है इसलिए इसमें मिठास बहुत ही कम लगती है, क्योंकि तरबूज के छिलकों में खुद का एक मिठास होता है। तो इसको हम अच्छे से मिला के चला लेंगे। और अब इसमें मैं ऐड कर रही हूँ कुछ फ्राई किए हुए नट्स। ये बिल्कुल ऑप्शनल है, आप अगर चाहें तो ऐड करें, वरना आप इसको अवॉइड भी कर सकते हैं। और ये देखिए, हमारे तरबूज के छिलके का हलवा कितना बढ़िया बन के रेडी हो चुका है। इसको बनाने में ज़्यादा टाइम भी नहीं लगा और जो छिलके हैं वो वेस्ट भी नहीं हुए। तो ज़रूर से ट्राई कीजिए इस बहुत ही अमेजिंग से डेजर्ट रेसिपी को, और मुझे फीडबैक में ज़रूर से बताइए कि आपको ये वीडियो कैसा लगा। अगर आपको ऐसे और मज़ेदार वीडियोज़ देखने हैं तो आप हमारे चैनल क्रेजी फॉर हेल्थ को सब्सक्राइब कर लीजिए और हमें फेसबुक एंड इंस्टाग्राम पर ज़रूर से फॉलो कीजिए, जिससे आप सारे नए वीडियो से अपडेटेड रहेंगे। मिलती हूँ एक और नई रेसिपी के साथ, तब तक के लिए टेक केयर एंड बाय बाय।